हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न, कुटीर उद्योगों में कौन कौन से प्रकार के व्यापार आते हैं। कुटीर उद्योग में जो काम चलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण। आइए जानें कुटीर उद्योग में किस प्रकार के उद्योग आते हैं। तो पहला, हथकरघा की वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं, हथकरघा की वस्तुएं। दूसरा, कपड़ों की सिलाई व एम्ब्रॉयडरी। तीसरा, बॉल पेन, पेन रिफिल का निर्माण करना। फिर चौथा, चौक, पैम व स्लट बनाना, इत्र सेंट अगरबत्ती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, ये सब हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। लकड़ी के खिलौने बनाना, चमड़े के जूते चप्पल बनाना, हथकरघा पर दरी, खेस व अन्य कपड़े बनाना, कपड़ों की रंगाई और छपाई कराना, वस्तुओं के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प कला का उपयोग करना, लोहे और लकड़ी की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना, दोने पत्तल का निर्माण करना, केचुआ खाद बनाना, पापड़, बड़ी, मंगोड़ी, अचार व मसाला बनाना आदि काम आते हैं। और इसमें और भी कार्य होते हैं जो कुटीर उद्योग में होते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि छोटे छोटे काम करना, और यह काम अधिकतर लोग अपने घर से ही कर लेते हैं। धन्यवाद।